नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके इसमें व्हाट्सअप पे बटन इनेबल नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक आपके इसमें व्हाट्सअप का पे बटन नहीं आया है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेमेंट बटन मेरे इसमें आ चुका है। तो अगर आपके इसमें शोविंग नहीं हो रहा है, नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो उसे पेमेंट व्हाट्सअप पे पेमेंट बटन को कैसे इनेबल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि एक बार व्हाट्सअप पे बटन इनेबल करने के बाद उसका कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आप पेमेंट करेंगे, वो भी बात करेंगे। साथ ही यहाँ भी बताएंगे कि व्हाट्सअप पे बटन कि कौन सी ट्रिक है जिसके द्वारा आप व्हाट्सएप पे बटन को इनेबल कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। साथ ही हम लास्ट में ये भी जानेंगे कि व्हाट्सएप पे बटन से पेमेंट किसी को कैसे रिसीव किया जाता है, साथ ही आप इससे कैसे बहुत सारा व्हाट्सएप पे बटन से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं घर बैठे। तो सब कुछ जानने के बाद ही इस वीडियो को स्किप पूरा देखना, इसके बाद ही इस वीडियो से हटना। साथ ही दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि व्हाट्सअप पे बटन इनेबल कैसे करना है ये देख लेते हैं हम। अगर आपके इसमें नॉट शोविंग आ रहा है या अवेलेबल नॉट अवेलेबल आ रहा है तो आप उसे कैसे पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली ट्रिक इसकी ये है, दो तरीके से आप व्हाट्सअप पे बटन इनेबल कर सकते हैं। पहली ट्रिक मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली करना क्या है कि अपने व्हाट्सअप में चले जाना है। व्हाट्सअप में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखना कि या तो थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है, तो इसमें से आप जो भी ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर पेमेंट बटन आपको दिख जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी चैट को ओपन कर लेना। चैट को ओपन करने के बाद यहाँ अटैचमेंट फाइल पर क्लिक करना, यहाँ पर पेमेंट बटन आपका शो हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाके अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना है, और व्हाट्सअप अपडेट वहाँ पर करने के बाद आपको एक ट्रिक करना है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है कि गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है whatsapp.com। whatsapp.com लिखने के बाद सिंपली आपको नीचे करना है, स्क्रॉल करते जाना है और लास्ट में आपको पेमेंट वाला ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इसको आपको टच करना है। टच करने के बाद सेटअप नाउ पर क्लिक कर देना है। सेटअप नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे व्हाट्सअप मांगा जाएगा। आपके पास अगर एक व्हाट्सअप है तो एक ही ऑप्शन आएगा और क्रोम का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास दो व्हाट्सअप चल रहे हैं तो दो ऑप्शन आएंगे। मैं सिंपली व्हाट्सअप पर क्लिक कर देता हूँ और व्हाट्सअप पर चले जाता हूँ। यहाँ से आप देखोगे तो मेरा जो पेमेंट बटन वाला इस टाइप से आ जाता है। अगर आपके नहीं आता है तो आपके इसमें करना क्या है आपको कि सिंपली सेट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे व्हाट्सअप पूछा जाएगा। आपको सिंपली व्हाट्सअप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सिंपली उसको अपडेट कर देना है। अपडेट मेरे इसमें ऑलरेडी अपडेट है, इसलिए वो वाले सेटिंग आ गई, आपके इसमें अपडेट हो जाएगा। तो इसको करने के बाद आपको इससे बाहर निकल जाना है। अब आप जैसे ही उसे कर देते हैं तो आपके इसमें आप थ्री डॉट पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको पेमेंट बटन दिख जाएगा। एक ही ये तरीका है। अब दूसरा तरीका मैं दिखा देता हूँ। अगर इससे आपका नहीं आता है तो सेकंड बटन क्या करना है कि इसमें थोड़ी आपको कठिनाई आ सकती है, इसलिए मैंने पहला ऑप्शन बताया था आपको। दूसरे ऑप्शन में आपको करना क्या है कि जिसके पास भी पेमेंट बटन वाला ऑप्शन है, आप सिंपली उससे रिक्वेस्ट मतलब इनवाइट मैसेज ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास भी ये पेमेंट बटन नहीं आया था, तो मेरे एक सज्जन थे, मित्र थे, जिनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया था, आप चैट देख सकते हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पेमेंट बटन जल्दी भेज दीजिए। आप देख सकते हैं इस वीडियो जैसे मैंने पेमेंट बटन के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुझे इस पेमेंट बटन इस टाइप से जो इनवाइट मैसेज पहुँचा दिया था। मैंने सिंपली सेटअप जैसे ही करा और मेरे पास वो आ चुका था। तो आप भी किसी बंदे से या फिर मुझसे भी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं अगर आप दे सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको इनवॉइस मैसेज पहुँचा दूंगा, इनवाइट मैसेज। तो आपके इसमें सिंपली मेरे जैसा व्हाट्सअप पेमेंट बटन इनेबल हो जाएगा। अब हम दूसरी बार ये करते हैं कि इसको सेटअप कैसे करते हैं, मतलब हाउ टू यूज़ व्हाट्सअप पे बटन। तो यूज़ करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि सिंपली अपने जैसे किसी को भी आपको पेमेंट करना है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि सामने वाले के पास भी व्हाट्सअप पे बटन होना चाहिए। यदि उसके पास भी व्हाट्सअप पे
पेमेंट ऑप्शन नहीं आया है तो आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रख लीजिए। अब हम दूसरी बात करते हैं कि पेमेंट किसी को पहुंचाना है, जैसे कि मैं इसको पहुंचाना है मुझे विजय को, मैं सिंपली इसकी चैट पर क्लिक करूंगा, यहां पर आपको क्लिक करूंगा, यहां पर पेमेंट पर क्लिक करूंगा। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद मुझसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू की पूछा जाएगा, मैं इसके सिंपली इसको टच करूंगा, ये मुझसे बैंक डिटेल मांगा जाएगा। मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हैं, आपने अगर वो नहीं देखे तो देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या प्रोसेस है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कितने सारे बैंक है, आपको अपना बैंक यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं इतने सारे बैंक व्हाट्सएप पेमेंट बटन ऑप्शन में आ रहे हैं, तो सिंपली जो भी आपका बैंक है, मैं इसको स्क्रॉल करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपके सभी बैंक आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपके सभी बैंक आ चुके हैं। मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको निश्चित रूप से देख सके, ज़्यादा हालांकि टाइम हो रहा है। मैं सिंपली जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो मैं सिंपली यहाँ पर टच करता हूँ। इसके बाद वेरीफाई वाया SMS, SMS आएगा, जो मेरे स्टेट बैंक में जो नंबर दर्ज है उसके पास मेरा SMS आएगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेता हूँ वो नंबर। सिलेक्ट करने पर वेरीफाई के लिए आएगा, यहाँ पर ये बोल रहा है कुड नॉट लिंक योर अकाउंट विथ UPI, UPI में मेरा अकाउंट नहीं है इसलिए मुझसे ये SMS नहीं पहुँचा पा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिक्योर अभी इनेबल नहीं हो रहा है, तो आपको मैं जानकारी दूँ केवल ICICI बैंक, HDFC और एक्सिस बैंक, ये 3 बैंक है जिससे अभी व्हाट्सएप पे पेमेंट ऑप्शन इनेबल किया जा सकता है। बाकी बैंक से ही जल्द ही व्हाट्सएप पेमेंट बटन इनेबल होने के लिए आ जाएगा। अभी मेरे पास ICICI बैंक और HDFC या एक्सिस बैंक किसी का अकाउंट नहीं है, तो मैं किसी और वीडियो में आपको ये पूरी स्टेप बता दूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों को करेंगे। हमने यहाँ पर सीखा कि व्हाट्सएप पेमेंट बटन का यूज़ कैसे करते हैं, साथ ही व्हाट्सएप पेमेंट बटन कैसे इनेबल किया जाता है। अगर आपके उसमें नॉट सॉविंग या नॉट अवेलेबल या फिर एक्टिवेट नहीं है तो आप उसे कैसे एक्टिवेट, पेमेंट बटन को, व्हाट्सएप पेमेंट बटन को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे और आप भी व्हाट्सएप पेमेंट बटन को एंजॉय करेंगे और अच्छे से इसका यूज़ करना सीखेंगे। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।